नवरात्रि का पर्व मनाए जाने के पीछे कई तरह की मान्यताएं हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषासुर नाम का एक दैत्य था। ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान पाकर वो देवताओं को सताने लगा था। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास गए। इसके बाद तीनों देवताओं ने आदिशक्ति का आह्वान किया। भगवान शिव और विष्णु के क्रोध और अन्य देवताओं के मुख से एक तेज प्रकट हुआ जो नारी के रूप में बदल गया। अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद देवताओं से शक्तियां पाकर देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकार। महिषासुर और देवी दुर्गा का ये युद्ध 9 दिनों तक चला। फिर 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। मान्यता है कि 9 दिनों में देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया। तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। तो चलिए माता रानी के 9 स्वरूपों की 9 कहानियां आपको सुनाते हैं। सर्वप्रथम दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन, अर्चन और सत्वन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज। हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। वृषभ यानी बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें वृषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनके दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में इन्होंने कमल धारण किया हुआ है। अब बारी आती है माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप की। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपचारिणी और ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में उन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और सत्वन दूसरे नवरात्र पर की जाती है। अब बारी तीसरे स्वरूप की। नवरात्र के तीसरे दिन दुर्गा जी के तीसरे रूप यानी चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और सत्वन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसीलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये खड़ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। अब बारी माँ दुर्गा के चौथे रूप की। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। 7 हाथों में से चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल है। माँ दुर्गा के इस कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना अत्यंत लाभदायक है। अब बारी पांचवें स्वरूप की। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन यानी 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा। माँ के रूप की 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपने दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के एक हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरदा मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है क्योंकि ये सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। अब बारी 6ठे स्वरूप की। नवरात्र के 6ठे दिन दुर्गा जी के 6ठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा और अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी इन 4 पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि उन्होंने कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया।
इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है और इनकी चार भुजाएं हैं। दाईं ओर के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड़ग अर्थात तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। अब बारी सातवें स्वरूप की। नवरात्र के सातवें दिन दुर्गा जी के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा और अर्चना की जाती है। इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है। बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति देदीप्यमान है। इन्हें तमाम असुरिक शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके तीन नेत्र हैं और चार हाथ हैं, जिनमें एक में खड़ग अथार्स तलवार और दूसरे हाथ में लोह अस्त्र है। तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। इनका वाहन गधर्भ अथार्थ गधा है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना और सत्वर अत्यंत लाभदायक है। अब बारी आठवें स्वरूप की। नवरात्र के आठवें दिन दुर्गा जी के आठवें स्वरूप मां महागौरी की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत हैं। इनका वाहन वृषभ अर्थात बैल है और उनके चार हाथ हैं। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया। मां गौरी की अर्चना पूजा और सत्वन मन की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। अब बारी नौवे स्वरूप की। नवरात्र के नौवे दिन दुर्गा जी के नौवे स्वरूप मां सिद्धदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी है मां सिद्धदात्री। इनके चार हाथ हैं। ये कमल पुष्प पर विराजमान है। वैसे इनका वाहन भी सिंह ही है। इनके दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्रकामे इषित्व और वशित्व नामक आठ सिद्धियां बताई गई हैं। ये आठों सिद्धियां मां सिद्धदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जाती हैं। हनुमान चालीसा में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। मां सिद्धदात्री की पूजा अर्चना और सत्वर मन की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।